11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 16 दिन से नर्सिंग कर्मियों का गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को प्रदेश स्तरीय आह्वान पर नर्सिंग कर्मी रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वो जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुशीराम मीणा और चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से नर्सिंग कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन प्रशासन और शासन किसी प्रकार की कोई जवाब नहीं दे रहा, जिससे प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मियों में गहरा रोष व्याप्त है और अपने इसी रोष का इजहार करते हुए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को जिले भर के नर्सिंग कर्मी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। हमने गांधीवादी तरीके से राजस्थान संघर्ष समिति के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लेकर कलेक्ट्रेट तक हमने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें हमने गांधीवादी तरीके से हमारे 11 सूत्रीय मांगों के लिए मांग की, जिसमें नर्सिंग पदनाम और स्टाइफंड, नर्सिंग छात्रों का 5,000, केंद्र के समाज वेतन, नए निदेशालय खोले जाए नर्सिंग के, और हमारे जो वेतनमान है उसमें सुधार की जाए, UTP नर्सेज की 37,800 तनख्वाह की जाए। देखिए, हमारा गांधीवादी आंदोलन है और गहलोत सरकार संवेदनशील सरकार कहते हैं। गहलोत साहब ने जो वादे पूरे किए हैं कर्मचारियों के हित में, जैसे पुरानी पेंशन है गहलोत साहब ने दिया, तो उसका धन्यवाद करते हुए हम हमारी नर्सेज की मांगें कर रहे हैं। हमारी नर्सेज की मांग है कि हमें बंधुआ मजदूर जो बना रखा है ठेका प्रथा के माध्यम से, उसे मुक्त किया जाए, हमारा अलग से नर्सिंग निदेशालय स्थापित किया जाए, हमें दवा लिखने का अधिकार दिया जाए, दवा रखने का हमें अधिकार दिया जाए, लिस्टिंग कर दी जाए दवाइयाँ, जो ग्रामीण कैडर में चिकित्सक हमेशा पहुँचते नहीं है। नर्सेज इलाज करते हैं लेकिन इलाज होने के बाद में नर्सेज को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। SDM, ADM कोई आता है तो नोटिस दे देता है, तो हमें स्पष्ट दवा लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारा नर्सिंग निदेशालय अलग होना चाहिए। नर्सिंग निदेशालय अलग होने से कैडर गठन होगा तो हमारे जो प्रतिवर्ष में लाखों विद्यार्थी पास आउट होते हैं नर्सिंग के, उन बच्चों का भविष्य असुरक्षित है। तो जब तक कैडर पुनर्गठन नहीं होगा, जब तक हमारी नर्सेज की उपेक्षा ही होगी, और नर्सेज के लिए बजट जिस तरीके से डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज को होता है, और ANM LHB जो संघ है उसकी जो वार्ता हुई है, वो वार्ता सरकार ने वार्ता की है, सरकार ने समझौता किया, सरकार ने वादा किया है, सरकार ने मांग पूरी नहीं की, लगभग 1 महीना हो गया, तो उस समझौते को लागू करवाया जाए। हमारी जो मांग है वो सरकार के सक्षम स्तर पर चल रही है, लेकिन सरकार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही, इसलिए नर्सेज को आज रोड़ों पर।